तो आज बात करते हैं वन प्लस नोट की। ये इंडिया का फिलहाल लीडिंग मोबाइल चल रहा है, फिलहाल ट्रेंडिंग पे चल रहा है वन प्लस नोट CE2 लाइट 5G। और ये काफ़ी अच्छा फ़ोन है। अगर इसके रिव्यू के बारे में बात करें तो ये टॉप रिव्यू पे चल रहा है फिलहाल। अगर हम इसके पैसों की बात करें तो ये काफ़ी मॉडल हैं, इसमें अलग अलग वैरायटी, अलग अलग रेट हैं इसके। तो सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, ये 21,880 रुपये में है वन प्लस नोट CE2। तो ये 6GB और 8GB रैम में उपलब्ध है। अगर इसकी लुक की बात करें तो काफ़ी अच्छा लुक है। और ये देखिए बैक भी काफ़ी अच्छा लुक है इसका। और स्लिम फ़ोन है, काफ़ी अच्छा लुक दे रखा है। स्लिम है, स्लिम बिल्कुल ही, बहुत ही स्लिम है। कैमरे भी अच्छा है। इसकी कीमत है 21,880 रुपये। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें 8GB रैम, 128GB रोम और 64MP का कैमरा है। डिस्प्ले 6.59 इंच की है। बैटरी 5000mAh की है। सिम भी जो टाइप है इसके डुअल सिम में है। नेटवर्क 5G सपोर्टेड है। एक्सेप्टेबल मेमोरी यानी कि मेमोरी बढ़ाने के इसके नहीं है। ऑडियो जैक भी नहीं है, क्विक चार्जिंग भी नहीं है। वही बॉक्स में वही हैंडसेट, सिम ट्राई इंजेक्टर और एडप्टर, फ़ोन केस और USB केबल ये आएगा। वारंटी वही 1 साल की है इसकी। तो अगर इस कीमत में देखें तो ये सबसे अच्छा फ़ोन है। अगर रिव्यू की बात करें तो रिव्यू 4.4 रिव्यू है। अगर कंपेयर करें तो कंपेयर वन प्लस नोट CE2 से करें तो 5G की कीमत 23,998 है। लगभग सभी वही चीज़ें हैं, कोई खासा फ़र्क नहीं है। वन प्लस नोट 2 की इसकी बात करें तो इसकी कीमत 19,700 रुपये है। इसमें भी कुछ ज़्यादा अंतर नहीं, सिर्फ बैटरी में 500mAh का अंतर है। ओप्पो F21 Pro की बात करें तो इसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा है, 26,999, लगभग बस 27,000 ही मानिए आप इसकी कीमत है। और इसमें उसमें बहुत फ़र्क है। तो इससे कंपेयर करने से फ़ायदा तो यही है, मतलब वन प्लस नोट ही सबसे अच्छा फ़ोन फिलहाल चल रहा है। अगर आपको लेना है तो वन प्लस नोट फ़ोन लीजिए। और इसके रिव्यू भी और मतलब इसके सारी फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।